हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ह्यूज़ नायका हॉल। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने नायका के समर सेल से क्या क्या ऑर्डर किया। वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑर्डर की हैं एंड एक बॉक्स और है, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। जो काफ़ी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो मैं पहले भी इसको यूज़ करती थी और मैंने रीपर्चेज किया है। कुछ प्रोडक्ट्स नए हैं एंड कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं अभी करेंटली 2-3 दिन से यूज़ की हूँ एंड देन आपको इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे अगर तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है ना, वो मैंने बायोटिक का बायो ब्रिंगराज ऑयल, इसको मैंने ऑर्डर किया था। इस ऑयल के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, ये काफ़ी अच्छा ऑयल है। मेरे हेयर फॉल हो रहे थे और जब से मैंने ये कलर किया तो थोड़ा सा मेरे बाल रफ हो गए थे, तो मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे रिव्यू पड़े थे, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। एंड लिटरली ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। मुझे अभी वन वीक हुआ है इसे यूज़ करते करते एंड ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा, एक वीक में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने लगा, फिर भी मैंने नोटिस किया है कि मेरे हेयर फॉल थोड़े कम हो गए हैं। तो ये ऑयल भी बहुत अच्छा है। और जो इसकी MRP है, ये इसकी MRP है 265 रुपीज़, बट मुझे नायका के समर सेल में ये 160 रुपीज़ में पड़ा था। और इसमें आपको 200 ml ऑयल मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है ये हेयर फॉल और रीग्रोथ ऑफ हेयर के लिए है। तो जो सेकंड आइटम है वो मैंने प्लम का ये मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र मंगाया है, ये जो कि मैं पहले से इसे यूज़ करती हूँ एंड मैंने इसे काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन ना ऑयली है तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये बेस्ट है मेरे लिए। ये इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद ना आपका स्किन कब ऑयली बिल्कुल भी नहीं होती है एंड ये काफ़ी अच्छा मैटिफाइंग सा लुक देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है जो प्लम का प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। और जो इसकी MRP है वो 470 रुपीज़ है, बट ये मुझे पड़ा है अराउंड 272 रुपीज़ का पड़ा था। तो इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिले हैं। देन जो थर्ड आइटम है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एंड इसका मुझे ट्राई करना था कि ये कैसा है। लैक्मे इल्यूमिनेटिंग क्रीम के बाद ये पॉन्ड्स ने भी अपनी इल्यूमिनेटिंग, ये है पॉन्ड्स गोल्ड ब्यूटी रेडियंट ग्लो गोल्ड ग्लो इल्यूमिनेटिंग डे क्रीम है ये। तो ये इल्यूमिनेटिंग डे क्रीम है और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट सी है एंड ये ना आप देख सकते हो, इसे आप बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन में एब्जर्व हो जाएगा एंड बहुत ही ना नेचुरल सा आपके फेस पे ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं ये नेचुरल सा ग्लो आपके फेस पे करेगा। इसमें ना जो पार्टिकल्स यूज है ना, जो सिमर पार्टिकल्स है, वो बहुत ज़्यादा टाइनी है तो वो बिल्कुल भी दिखने वाला नहीं है, बिल्कुल भी चमके नहीं लगने वाला है। तो ये क्रीम ना, ये डे क्रीम बहुत अच्छा है। जो लोग हाइलाइटर, जिनको ना अपने फेस पे ना एक नेचुरल ग्लो दिखाना था, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी, यानी ये बहुत अच्छा एकदम नेचुरल ग्लो लग रहा है। तो ये क्रीम भी बहुत अच्छा लगा मुझे एंड इसका जो प्राइस था, मैं आपको बताती हूँ, इसका जो प्राइस है वो 185 रुपीज़ है एंड ये मुझे अराउंड 140 रुपीज़ के अराउंड पड़ा है इसमें मुझे डिस्काउंट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है मेरा, वो मैंने ये मेबलिन सेंसलेशन की ये लिपस्टिक मंगाई है एंड इसमें मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है। इसका MRP है, इसका MRP है अराउंड 345 रुपीज़, बट मुझे ये मिला है 192 रुपीज़ का। एंड इसमें जो मैंने शेड मंगाया है मेड इजी एंड ये शेड बहुत ही प्यारा है, ये मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हो ये शेड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। एंड इसका फॉर्मूला गाइस, इसका मैं रेड भी इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। आपके फेस, आपके लिप्स में ना बिल्कुल भी फील नहीं करता कि आप कुछ भी आप इस अपने लिप्स पे लगा रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मुझे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट जो आइटम है वो लैक्मे एब्सोल्यूट का ये आईलाइनर है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब इसे मैं ना 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये आईलाइनर मेरे इतना फेवरेट है कि इसके अलावा मैं कुछ ट्राई नहीं करती हूँ एंड जो भी लेती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और अभी मैंने इसे ही लगाया हुआ है। इसका जो एप्लीकेटर है ना, ये बहुत थिन है, बहुत ईजिली आपका लग जाता है। और जो आईलाइनर में बेस्ट चीज़ है ना, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। बट जो इसका जो कॉन्स है ना, वो ये है कि ये ना वाटर प्रूफ नहीं है, बस ये है प्रॉब्लम इसमें, बट बाकी ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। इसके बाद मैंने इनसाइड का हाई कवरेज फाउंडेशन मंगवाया है। इसमें जो मेरा शेड है LNP 15 एंड ये फाउंडेशन मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी, बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक पे था। अमेजोन पे भी इसके सारे डार्क शेड है बट इसके लाइट शेड नहीं थे, तो मैंने इसे मंगाया है। और इसका जो प्राइस है वो 235 रुपीज़ है जो कि मुझे इस 200 में मिला है। एंड इसके इनसाइड का जो ये फाउंडेशन है, ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट इनके भी काफ़ी
इसके बारे में सुना है कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन, ये काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन देता है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा फाउंड, ये बहुत इजली ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होके आपके बहुत नेचुरल सा आपके फेस पे ये सेट हो जाता है। बहुत ही अच्छा ये फाउंडेशन है। उसके बाद सेकेंड जो मैंने परचेज किया वो है ये फिटमी का फाउंडेशन, और इसमें जो मेरा शेड है आइवोरी, एंड इसका भी कॉस्ट, इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़, बट हाँ ये मुझे मिला था अराउंड 213 रुपीज़ में, 213 रुपीज़ में मुझे मिला था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिला है। नेक्स्ट जो गाइस जो बहुत ही इसमें अच्छा, मैं मतलब इस हॉल मैंने जो सबसे अच्छा मुझे लगा है वो है, मैंने मेबलिन का ना ये द सिटी मिनी पैलेट मंगवाया है, और इसके ना जितने भी शेड है गाइस आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे शेड है इनकी ना, बहुत अच्छे, मतलब इसकी काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है, काफ़ी पिगमेंटेड है, बहुत सटल सा, बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो। ये जो पैलेट है ना ये मस्ट हैव पैलेट है, ये आपके मेकअप किट में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसे आप अपना एक मतलब न्यूड मेकअप भी कर सकते हो, इसे अपने स्मोकी आईज भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा पैलेट है, इसे आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। एंड इसका जो प्राइस था ना वो अराउंड 695 रुपीज़ था, एंड मुझे वो डिस्काउंट पर मिला था 523 रुपीज़ में, जो कि अच्छी डील थी। देन मैंने मंगवाया है एले प्रो गर्ल का कंसीलर, एंड ये कंसीलर भी मेरा फेवरेट है, मैं इसे बहुत दिन से यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसे रीस्टॉक किया है, एंड इसके MRP जो है आपका है 695 रुपीज़, बट हाँ ये मुझे पड़ा था 562 रुपीज़ का, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था। जो लास्ट है वो मैंने मंगवाया है बायोक्लोव, ये बायोटी का बायोक्लोव फेस पैक, मेरे फेस पे ना काफ़ी पिंपल्स हो रहे थे, और पिंपल्स के लिए ना ये फेस पैक बेस्ट है, ये फेस पैक मैंने पहले भी यूज़ किया है, मतलब अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं ना तो आप इस फेस पैक को आप डेली लगाओ, आपके पिंपल्स ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे, एंड बहुत जल्दी इनके स्पॉट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये था आज का मेरा नायका हॉल वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए तब तक हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।